हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिका मीना। मेरे चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे घेवर। ये इंडियन स्वीट होती है और ये राखी पर के त्यौहार पर ज़रूर बनाई जाती है। मार्केट में मिलती है, ऐसे अवेलेबल नहीं होती मार्केट में। पहले हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। हम पैन चढ़ा दिया है गैस पे। हम एक तपेली में 1 कप चीनी लेंगे। इसी में हम आधा कप पानी डाल देंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। चाशनी में उबाल आ रहा है, हमें इसकी ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी, हमें बिना तार की चाशनी बनानी है। पहले हम चाशनी बना के रख देंगे ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। देखिए, इसमें कोई तार नहीं है, ये चाशनी बन गई है। मैं गैस बंद कर देती हूँ, हम दूसरी तैयारी कर लेते। 1 कप मैदा लिया है, 2 चम्मच घी लिया हुआ है, पीला रंग है, इलायची पाउडर है, 4-5 बर्फ़ के क्यूब है और ठंडा पानी है। एकदम ठंडा पानी लेना है। हम बैटर बना लेते हैं। पहले हम घी ले लेंगे। इसी में जो हमने बर्फ़ की क्यूब ली थी उसे डाल लेना है। बर्फ़ की सारी क्यूब मैंने इसमें डाल ली है। हम इसे अच्छे से फेंटना है। इसे अच्छे से फेंटेंगे हम जब तक कि क्रीमी ना हो जाए, इसका टेक्सचर क्रीमी जैसा ना हो जाए। अब हम सारी बर्फ़ निकाल देते हैं इसमें से, क्योंकि ये हो गया है अच्छे से। देखिए आप, कितना अच्छा क्रीमी हो गया है, एकदम वाइट हो गया है घी। हमें इसे थोड़ी सी देर और फेंटना है बर्फ़ निकालने के बाद। ये अच्छे से फिट गया है। अब हम इसमें धीरे धीरे जो मैदा लिया था उसे डालेंगे। मैदा डाल देंगे। आप थोड़ा थोड़ा मैदा मिक्स करें इसमें, एकदम से पूरा मैदा ना डालें। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसकी जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए मैदा, पूरा मैदा तो इसमें एकदम से मिक्स नहीं होगा, इसमें पानी डालना पड़ेगा हमें। इसमें पानी की ज़रूरत लग रही है अब। हम इसमें जो हमने ठंडा पानी लिया था, आप फ्रिज में रख के ठंडे पानी की बोतल यूज़ करें। इसमें हम पानी भी डाल देंगे। जो भी किनारों पे आपका घी लग गया था उसे अच्छे से निकाल लें और अच्छे से इसको मैदे में मिक्स कर दें। फिर ठंडे पानी का से इसका हम बैटर बना लेते हैं। आपको धीरे धीरे पानी डाल के इसको फेंटना ताकि इसमें गुठली ना पड़े। इसका एकदम चिकना घोल बनाना है। हम सारा मैदा डाल देंगे और पानी डाल के इसका पतला घोल बना लेंगे। ये बहुत ही आसान है, बहुत इजी रेसिपी, फटाफट बन जाती है। देखिए, अच्छे से मैंने मैदा पूरा घोल लिया है इसमें। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बता देती हूँ कैसी रखना है आपको। ये इस तरह का बैटर होना चाहिए कि जब आप इसको ऊपर से गिराए तो इसकी एक पतली सी धार बन के नीचे गिरे। इसे इलायची पाउडर डाल लेंगे, इसे मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इसमें हम खाने वाला पीला कलर भी डालेंगे, क्योंकि जब घेवर बनाते हैं उसको तल के निकालते हैं इसका बहुत अच्छा कलर आता है। इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ कलर लेना है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम गैस के ऊपर पैन चढ़ा देते हैं। सॉस पैन लिया है मैंने, इसमें घी का यूज़ किया। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। घी गरम हो जाए तब आपको 1 चम्मच जो बैटर आपने बनाया था उसकी एक धार गिरानी है, ताकि 1 चम्मच पूरा बैटर आपको एक बार में डालना है। जैसे आप बैटर डालेंगे वैसे ही झाग ज़्यादा बनेंगे ऊपर तक, और जैसे ही झाग बैठ जाए वापस ठंडा हो जाए तब आप दूसरी चम्मच घोल इसमें डालें, और बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बनाते रहें ताकि जगह बनती रहे घोल के लिए बीच में। इसमें हम 1 चम्मच बैटर और डाल देंगे। आपको जितना मोटा घेवर बनाना है आप उतना चम्मच बैटर इसमें यूज़ करें, पर हाँ, बीच में आप जगह बनाते जाएं। जैसे ही आप बैटर डालें उसके पहले आप थोड़ी सी जगह बना लें ताकि बैटर बीच में गिरे और जो भी है वो आसपास इकट्ठा होता जाए, बाकी बैटर आसपास इकट्ठा होता जाए। ये देखिए, चम्मच से मैं इसे हटा रही हूँ साइड में थोड़ा थोड़ा, ताकि बीच में जगह बन जाए। ये वैसे बहुत मोटा हो गया है, अच्छा बना है ये।
ये नीचे से सिक गया है। आप जब भी इसको निकालें तो पहले एक प्लेट रख लें, प्लेट के ऊपर एक चलनी रख लें, इस पर आप घेवर को निकालें ताकि जो भी एक्स्ट्रा घी है वो सारा नीचे आ जाएगा। इसे हम देख लेते हैं सिका कि नहीं, ये अच्छे से सिक गया है पीछे से भी। हम इसे थोड़ा सा और सेक लेंगे क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा अभी कसर है उसमें, ऊपर का पकना बाकी है। अभी हमारा हो गया है घेवर तैयार है, हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। आप चाहे तो इसे जितना मोटा बनाना चाहे उतना मोटा इसे बना सकते हैं। अगर आपको छोटा साइज़ का बनाना है तो आप छोटा बर्तन ले या एक छोटी रिंग बीच में रख दें, उसके बीच में बेटर डालें आप। अब हम दूसरा घेवर भी इसी तरह से बना लेंगे। घी को फिर से अच्छा गर्म कर लेते हैं। हम इसमें बैटर डाल देते हैं। जैसे आप बैटर डालेंगे वैसे ही झाग आते हैं एकदम से ऊपर, देखिए। और जब ये झाग बैठ जाए तब आप दूसरी घोल डालें उसमें। मैं इसमें पहली 2-3 चम्मच घोल डाल चुकी हूँ, ये अच्छा मोटा हो गया है। मैं इसमें थोड़ी सी जगह और बना लेती हूँ, ऐसे आपको बीच में जगह बनाना है। हम फिर से बैटर डाल देंगे। फ्लेम मैंने तेज कर दी थी। देखिए ये अच्छा मोटा बना है। अगर आप चाहे बीच में और इसको जगह कम हो, होल छोटा हो, तो इसमें और बैटर डाल सकते हैं। मैंने और बैटर डाला है इसमें, देखिए अच्छे से सिक गया है। हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। आप संभाल के घर हैं, ये बन के तैयार है दोनों। अब हम इस पर चाशनी डाल लेंगे। जो हमने चाशनी बनाई थी वो हम इसके ऊपर चम्मच से डाल देंगे। आप चाहे तो बड़ा बर्तन लेके चाशनी में घेवर को रख सकते हैं। मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ताकि नीचे जो घेवर रखा उसमें भी चाशनी चले जाएगी। आप चाहे तो इसके ऊपर रबड़ी डाल के भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में और बहुत इजी है, आसानी से बन जाता है। रक्षाबंधन पे हमारा यही मिठाई मार्केट में ज़्यादा मिलती है। ये बन के तैयार, देखो नीचे भी चाशनी चली गई है। अब हम इस पर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। सारी चाशनी घेवर ने सोख ली है और जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो चलनी से नीचे निकल जाएगी। इस पर आप ड्राई फ्रूट डाल दें, आपको जो भी पसंद हो। मैं काजू बादाम और पिस्ता डाल रही हूँ इसके ऊपर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आप इसे ज़रूर ट्राई करें।